जो अलाउद्दीन खलजी ने आके जुल्म कीते ने उदों ये लोग इस तरह छड़ के नाहल वाल चले गए। नाहल रियासत तो बाद जैसलमेर वाल आ गए ने, जैसलमेर तो बाद आ गए ने मुल्तान के कोल अलीपुर। भाई मनी सिंह का जन्म अलीपुर का है, भाई मनी सिंह के पड़दादे का जन्म नाहल का है, भाई मनी सिंह के पड़दादे के पड़दादे का जन्म जिहड़ा है वह खान देश का है। ये इस इलाके आए थे। 53 मैंबर इस परिवार के शहीद हुए हैं। भाई मनी सिंह का दादा भाई बल्लू जिहड़ा है वह 13 अप्रैल 1634 अमृतसर की लड़ाई में शहीद होया। तो भाई बल्लू के 12 पुत्रों में 10 पुत्र शहीद हुए। भाई मनी सिंह के चाचे के ताया विचों भी जिहड़े ने तकरीबन 12 विचों 10 शहीद होए। तुहानूं शायद कईआं नूं पता भी होगा कि 11 नवंबर 1675 के दिन दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब दियां अखां के सामने 3 सिंह शहीद होए। सब तो पहली शहीदी है जिसनों देग विच उबालिया गया सी। कईआं ने कहा कि भाई दयाल वाले तो भाई दयाल दास उहदा नाम सी। ये भाई मनी सिंह का वड्डा भरा सी, बहुत घट लोगों ने इसका दर्शन किया। भाई मनी सिंह का वड्डा भाई सी भाई दयाल दास। भाई मनी सिंह के बाप के 12 भरा सन। इन्हों अमरनाथ छोटी उम्र च मर गया सी, ते माई दास शहीद नहीं होया, बाकी 10 के 10 शहीद हो। भाई मनी सिंह के अपने 10 पुत्र सन जिदे 7 शहीद होए। भाई उदय सिंह का नाम तुम सुनया होगा, 10 पातशाह का चेहरा मिलता सी जिहड़े शाही टीवी ते शहीद होए 6 दिसंबर 1705 के दिन। भाई बचित्र सिंह का नाम तुम सुनया होगा जिन्हें शराबी हाथी का मूँह मोड़िया 35 सितंबर 1700 के दिन जो अजमेर चंद बिलासपुरिया पहुंचा लह के आया। तो लोहगढ़ के किले के सामने किले का दरवाजा भरने लिए भाई बचित्र सिंह ने शराबी हाथी उतों मोड़िया जिहड़ा के दरवाजा तोड़ आया। और इस दिन ही राजा केसरी चंद का सिर वटिया, सिर वटे मरा उदय सिंह। भाई मनी सिंह के 5 पुत्र 7 दिसंबर की शाम को चमकौर की गली में शहीद हुए। अनक सिंह, अजब सिंह, अजायब सिंह ये शहीद हुए। ये बचित्र सिंह के उदय सिंह के पुत्र भी शहीद हुए ने। कोई चप्पड़चिड़ी भी शहीद होया है, कोई एक पुत्र शहीद होया है बिलासपुर में, एक सडौरे में शहीद होया, 53 शहीद होया। तो जिस दिन भाई मनी सिंह की अपनी शहीदी होंगी है 24 जून 1634 के दिन, उस दिन उन्होंने नाल उन्होंने एक भरा ते 2 पुत्र जगत सिंह ते गुरबख्श सिंह उत्थे शहीद हुए। दुनिया भर में किसी परिवार ने इन्हीं शहीदियां नहीं कितने गिनस बुक का रिकॉर्ड भी, गिनस बुक ऑफ रिकॉर्ड जिते चलते हैं जिसे रिकॉर्ड लिखे होंगे भाई किसने की किया किसने की किया। यह भाई मनी सिंह परिवार का रिकॉर्ड है। 24 जून 1634 के दिन भाई मनी सिंह की शहीदी हुई। सारा जून महीना जोड़ा है सिखा दिया शहीदियों का महीना है, सिर्फ जून नहीं है। गुरु अर्जन साहब साडे पहले शहीद सन, ते अजे कल सौदा साहब ने बंबई विच एक सिंह नूं सिर्फ कार विच बैठे कोई काम नहीं करदे, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, गोलियां मार के मार रहे। हर रोज सिखां उत्ते वार हुंदे हन, हर रोज सिख कतल कीते जा रहे हन। दुनिया में 2 कौम हैं जिन्हों ने वक्त तो वक्त शहीदियां दी, फर्क है पर दोनों के शहीदियां का, एक हैं यहूदी तो दूजे सिख। यहूदी कहते हैं कि साढ़े पिछों 60 लाख बंदा मारिया गया, हिटलर ने मारिया 1939 तो लैके 45 तक के समय में। यहूदी कहते हैं कि इन्हों बंद करके बड़े हाल में गैस छड़ दी जाती सी, गैस के नाल सौ जाते सर से मौत हो जाती। तसी है किसी यूदी को
अपनी मर्जी नाल शहीदी किसे यहूदी ने हासिल नहीं। किसे ने नहीं कहा भी तू यहूदी धर्म छड़ दे तो तेरी जान बच जाएगी। किसे ने पेशकश नहीं की है। मतलब नहीं कहा कहता नहीं खत्म कर दो पर तसीह को ऐ मिठी जहर के नाल गैस छड़ के खत्म हो। अगर जान तली ते रख के जूझ के शहीद होए ने तो सिर्फ सिख मारे गए सिख 20 लाख ने मैं नहीं शामिल जिन्होंने जान तली ते रख के जूझ के शहीदियां हासिल की 10 लाख तो घट एक एक दिन 25-30 हज़ार सिख शहीद हो गया। 5 फरवरी 1762 कुपर हीरे के मैदान में जंगलों में सिख लुके हुए सन जो अहमद शाह दुरानी ने 3 पासे तो हमला किया तो वक्त इतिहासकार वक्त फिगर्स देंगे ने गिनती दसते हैं कि शहीद हो पर मैं मुसलमान लिखारी जी है उन्होंने मानता हाँ वो 29 हज़ार सिख शहीद हो एक दिन 29 हज़ार कोई 10 हज़ार कहता कोई 40 कहता है पर मैं उन्होंने फिगर सब तो वह यकीन वाली मानता भी 29 हज़ार सिख एक दिन शहीद 1 मई 1746 कल आँधी छंभ रावी दरिया के कंढे उस छंभ जो लखपत राय यहीया खान ने हमला किया घेर के जंगल को अग लाइए तो सिख शहीद कर 10 हज़ार सिख शहीद 1984 एक जून च हो 4 जून को दरबार साहब से 3 हज़ार तो श्रोमणी अकाली दल के मोर्चे में गिरफ्तारी देने वाला सिख उठ गया नछत्तर सिंह भलवान की अगुवाई जून में तो नवंबर 1984 में भी तकरीबन 50 हज़ार करीब सिख जो शहीद किए गए तसीह देते गए दरबार साहब जो हमला किया गया जून 84 में तो लोग पानी के शहीद हो पानी नहीं पी दिता गया मां की गोद में बैठे बच्चे भी शहीद किया जब जो अल करते हैं शहीद सिख दिया गल जो 1746-53 के विचकार मीर मनु ने सिंघनिया बच्चों को गिरफ्तार करके लाहौर की जेल में रखे जिसे गुरुद्वारा शहीद सिंघनिया बनया हुआ है। असं जो शहीदियों की गल करते हैं तो कई लोग नहीं सी मनते इस तरह कि हो सकता है भाई बच्चों को उपर सुट देना थले बच्चा रख के बच्चे की जान कटनी टुकड़े कर करके मावं के गलिया में पा ये 84 नवंबर 84 दुनिया की तवारीख की सब तो 1984 है। नवंबर 84 दहीदियां जीडिया ने तसीह दे के सिखा शहीद किया गया बड़ी सालमाना शहीदियां बड़ा वाला जुल्म किया गया दुनिया भर की तवारीख में यह जुल्म दुनिया में 40 किस्म के तसीहे ने जिन्होंने लोगों को मारिया जाता है। किसी कौम ने एक देखा किसी ने दो देखे तो सिखा ने 40 तसीहां के तरीके उन्होंने अपन जान हिस्टरी इस तो बाद तशद्दुद का शिकार जुल्म का शिकार कोई कौम नहीं हुई पर इस कौम की खासियत है कि कौम ने अपनी अनख नूं कायम रखे सिर ते सरदारी ते दस्तार कायम रखी है। गुरु अर्जन साहब की अज असी श्रद्धांजलि देने वास्ते आए हाँ। गुरु अर्जन साहब को श्रद्धांजलि तां है जे जिस कारण वो शहीद होए ने उसने अपने मन च वसाई है। गुरु अर्जन साहब ने धर्म वास्ते शहीदी दित्ती है। जे असी अपना धर्म अपने नाल लैके चले अज तां असी सचमुच दिन मनाया है।
गुरु अर्जन साहब।